हेलो एवरीवन, वेलकम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल काबिल एकेडमी। हेयर आई एम अगेन विथ माय न्यू वीडियो ऑन मिसलेनियस मैथ्स फॉर ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। अदिति इज एज ओल्ड एज बरखा विल बी 9 ईयर्स फ्रॉम नाउ। यानी कि अदिति की आज की उम्र उतनी ही है जितनी बरखा आज से 9 साल के बाद होगी। 9 साल के बाद बरखा की जो उम्र होगी वो आज अदिति की है। दोनों की उम्र सेम है। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पीछे, अदिति वॉज 1.5 टाइम्स एज ओल्ड एज बरखा वॉज एट दैट टाइम। बोला कि 5 साल पहले बरखा जितनी साल की थी उसका 1.5 टाइम्स अदिति का उम्र था। What will be the sum of ages of Aditi and Barkha 4 years hence? सवाल ये है कि present में उनकी जो उम्र है उससे 4 साल के बाद दोनों की जो उम्र होगी उसका sum कितना होगा। तो चलिए question को start करते हैं और question बनाते बनाते हम लोग question को और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। So this is Aditi and this is बरखा। मैं एक चार्ट के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी आसान तरीके से। यहाँ पे हम लिखते हैं 9 ईयर्स हेंस, यानी कि 9 साल के बाद की उनकी उम्र फ्यूचर की। यहाँ हम लिखते हैं एट प्रेजेंट उनकी क्या उम्र है। और तीसरा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 ईयर्स एगो। तो एट प्रेजेंट क्या बोला गया है कि अदिति की जो उम्र है, तो हम मान लेते हैं कि अदिति की उम्र अगर अभी x है तो ये किसके बराबर है, बरखा के उम्र के बराबर है जो बरखा 9 साल के बाद होगी। तो मान लेते हैं बरखा की उम्र 9 साल के बाद x है, इसलिए अदिति का आज का उम्र भी कितना है, x है। दोनों का सेम है एज पर क्वेश्चन। इसके बाद सवाल में दिया हुआ है कि 5 ईयर्स एगो, यानी कि 5 साल पहले। तो 5 साल पहले तो उम्र 5 साल कम हो जाता है, तो 5 साल एगो अगर हम आए तो अदिति की उम्र क्या होगी, x माइनस 5। और बरखा की उम्र क्या होगी, बरखा को 5 साल पहले आने के लिए पहले उसको 9 ईयर्स पीछे जाके प्रेजेंट में आना होगा, ओके। और फिर वहाँ से उसको और 5 साल पीछे आना होगा, यानी कि टोटल उसकी उम्र से 14 साल माइनस करना पड़ेगा, यानी कि x माइनस 14। तो अब कह रहा है कि 5 साल पहले ये जो बरखा की एज है इसका 1.5 टाइम्स जो है वो अदिति का एज है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम 1.5 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये 1.5x होगा, और वहाँ से अगर 1x, ये 1x है तो 1.5x से अगर 1x माइनस हो जाए तो हमारे पास 0.5x बचता है यहाँ पे। उसके बाद 1.5 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 वन ज़ा 14, और 0.5 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो हाफ हो जाता है, यानी कि 7। तो 14 प्लस 7 इज़ 21। 21 में से इस 5 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 16। सो यहाँ पे हमारा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें किसी भी नंबर को अगर 0.5 से अगर डिवाइड करना है, क्योंकि ये नीचे आएगा 16 के नीचे आएगा, तो 0.5 का मतलब होता है 1/2। 0.5 का क्या मतलब होता है, 1/2 है कि नहीं। तो ये 2 क्या होगा, 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये नंबर को डबल कर देता है, यानी कि 32 ईयर्स। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि अदिति, ये x की वैल्यू 32 आ गई, x कहाँ पे है, x यहाँ पे है, यानी अदिति की जो प्रेजेंट एज है वो 32 ईयर्स है, और बरखा की 9 साल के बाद जो उम्र है वो भी कितनी है, 32 ईयर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एट प्रेजेंट दोनों का एज को प्लस कर लेते हैं। सो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो दोनों के एज का सम कितना हो जाएगा, तो अदिति का 32 ईयर्स है प्लस, अगर हम बरखा के एज की अगर हम बात करें तो बरखा का 32 ईयर्स, ये 9 साल के बाद का उम्र है। प्रेजेंट एज यहाँ पे आएगा, यानी उसको 9 साल पीछे आना पड़ेगा, यानी कि इसको यहाँ से माइनस 9 करना पड़ेगा, यानी कि इसकी जो उम्र है वो कितनी हो जाएगी प्रेजेंट में, 23 ईयर्स। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट एज कितने लिखेंगे, 23 ईयर्स, यानी कुल मिला के 55 ईयर्स दोनों के एज का सम हो रहा है एट प्रेजेंट। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमसे पूछा गया है
कि आज से 4 साल के बाद उन दोनों के एज का सम कितना होगा। तो 4 साल के बाद अगर हम बात करें तो इसके एज में भी 4 ऐड होगा और इसके एज में भी चार ऐड होगा, यानी कि कुल हमें 8 साल हमें ऐड करना है। तो एज कितना हो जाएगा, 63 ईयर्स विल बी द सम ऑफ द एजेस ऑफ अदिति एंड बरखा 4 ईयर्स हेंस। तो 4 साल के बाद दोनों के एज में 4 साल अगर हम प्लस करें तो 8 साल प्लस करने से 63 ईयर्स हो जाता है दोनों का एज आज से 4 साल के बाद। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो आगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एट इट्स यूजुअल स्पीड का मतलब होता है आमतौर पे ट्रेन जिस स्पीड चलती है उसे यूजुअल स्पीड, सामान्य स्पीड। एट इट्स यूजुअल स्पीड अ ट्रेन ऑफ लेंथ एल मीटर, एक ट्रेन की लंबाई नहीं दी हुई है, एल दी हुई है, निकालनी पड़ेगी हम लोग को, क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 300 मीटर लॉन्ग, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकेंड्स में क्रॉस कर जाती है। अगला आई कहता है एट 50% ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड द ट्रेन क्रॉसेस अ वर्टिकल पोल इन 20 सेकेंड्स। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल। इस क्वेश्चन के लिए हमें पेन और पेपर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ें जो है वो समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले यहाँ देखिए एट 50% ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी ट्रेन की जो आम स्पीड पे जो वो चलता है उसके आधे स्पीड पे जब वो चल रही है तो एक वर्टिकल पोल को क्रॉस करने के लिए 20 सेकेंड लगता है। स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर कि वेन एवर अ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन ऑन द प्लेटफॉर्म और अ पोल ऑन द वर्टिकल पोल ऑन द प्लेटफॉर्म, तो वो मैन और पोल का जो लेंथ होता है वो नेग्लिजिबल होता है, उसका कोई लेंथ नहीं होता है। यानी जब कोई ट्रेन एक पोल को या एक मैन को क्रॉस करती है तो एक्चुअली में ट्रेन अपने ही फुल लेंथ को क्रॉस करती है, अपने ही लेंथ को क्रॉस करती है। तो आप यहाँ देखिए अगर ट्रेन अपने हाफ स्पीड पे चल रहा है तो उस पोल को क्रॉस करने में मतलब अपने ही लेंथ को क्रॉस करने में 20 सेकेंड ले रहा है। यानी अगर ट्रेन अपने 100% यानी ओरिजिनल स्पीड पे अगर चले, यानी कि स्पीड को मैं अगर डबल कर दूं, तो जाहिर सी बात है कि वो उन्होंने जो टाइम लिया है ट्रेन ने पोल को क्रॉस करने का या अपने ही लेंथ को क्रॉस करने का वो हाफ हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 10 सेकेंड्स। यानी जैसे क्योंकि स्पीड और टाइम आपस में रेसिप्रोकल होता है, स्पीड बढ़ने से समय कम लगता है, तो यहाँ पे स्पीड जब डबल हो जाएगा अपने ओरिजिनल स्पीड पे जाएगा तो ट्रेन को वर्टिकल पोल को क्रॉस करने में 10 सेकंड का समय लग रहा है। इसका मतलब ये है वर्टिकल पोल मतलब अपने ही लेंथ को, इसका मतलब एक चीज़ तो मिल गई कि ट्रेन को अपने लेंथ को क्रॉस करने में 10 सेकंड का समय लगता है। अब हम क्वेश्चन को आसानी से यहाँ पे चार्ट के जरिए समझते हैं। यहाँ पे एक पोल है ए, यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट है बी और यहाँ पे एक पॉइंट है सी। ये जो लेंथ है ये ट्रेन की अपनी लेंथ है, क्योंकि ये जो पोल है ट्रेन जब इसे क्रॉस करके पार करेगा यहाँ तक आएगा तो ये ट्रेन एक्चुअली अपने लेंथ को क्रॉस करेगा, ठीक है, और जिसे क्रॉस करने में ट्रेन को 10 सेकंड का समय लगता है। और ये जो लेंथ है ये 300 मीटर ये प्लेटफॉर्म की लेंथ हो गई, तो ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक पूरा, यानी कि ट्रेन की अपनी लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ पूरे लेंथ को कवर करने में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25 सेकंड का समय लगता है। 25 सेकंड में ट्रेन को 10 सेकंड तो लग जाता है अपने ही लेंथ को क्रॉस करने के लिए, तो बाकी जो 300 मीटर बचा हुआ है यानी कि ये लेंथ इसे क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, यानी कि 15 सेकंड, क्योंकि इस पूरे लेंथ को 25 सेकंड में क्रॉस करता है ट्रेन, इस लेंथ को अपने लेंथ को अगर 10 सेकंड में क्रॉस करता है बचे हुए लेंथ को वो 15 सेकंड में क्रॉस करेगी। तो अभी आप यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए काफ़ी आसानी से हमारा सवाल बन जाएगा कि 15 सेकंड्स में 300 मीटर तो ये कितना टाइम्स हुआ, ये हमारा हुआ 20 टाइम्स। ओके, हमें क्या निकालना है, हमें ये एल निकालना है। तो 300 अगर होता है यानी कि 20 टाइम्स तो यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा, रेशियो पकड़ेंगे तो ये भी 20 टाइम्स हो जाएगा, यानी 20 × 10 यानी कि 200 मीटर, यानी कि जो ट्रेन की लेंथ है वो हमारी कितनी है, 200 मीटर है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसको बार बार देख सकते हैं अगर आपको समझ में ना आए तो।
तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके लिए वी नीड नॉट टू यूज़ एनी काइंड ऑफ पेन एंड पेपर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में ही बन जाएगा हमारा. आप देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है. व्हाट इज गिवन टू अस. ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी. ए जो है बी के मुकाबले तीन गुना ज़्यादा एक्सपर्ट है, एफिशिएंट है, कुशल है. एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, यानी अगर बी एक खिलौने बनाता है तो उसी टाइम में ए जो है तीन खिलौने बना लेगा. अगर बी 10 पैकेटिंग करता है तो उतने ही देर में ए जो है 30 पैकेटिंग कर लेगा, यानी कि तीन गुना अधिक एफिशिएंट है, स्किल्ड है. और जहाँ तक टाइम का सवाल है, अगर बी को अगर ये 10 पैकेट बी को कोई काम करने में अगर मान लीजिए तीन घंटे का समय लग रहा है तो वही काम करने में ए को एक घंटे का समय लगेगा. क्योंकि आप जितना ज़्यादा एफिशिएंट होंगे उतना ही कम समय आपको लगे. द मोर यू आर एफिशिएंट द लेस टाइम यू विल कंज्यूम टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क. ये एफिशिएंसी का मतलब होता है. नाउ ए स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 6 डेज, यानी कि ए ने 6 दिन काम किया है, ही वॉज रिप्लेस्ड बाई बी. तो ए ने 6 दिन काम किया फिर उसको बी ने रिप्लेस कर दिया. बी देन वर्कड फॉर 9 डेज, उसके बाद बी ने 9 दिन काम किया एंड लेफ्ट द वर्क, और काम छोड़ दिया. इफ़ ए एंड बी फिनिश्ड 50% ऑफ द टोटल वर्क, यानी कि ए और बी ने मिल के अगर पूरे काम का 50% किया है, इसका मतलब अभी भी हमारा जो रिमेनिंग काम है वो 50% बचा हुआ है. देन इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन फिनिश द होल वर्क, तो कितने दिन में बी अकेले बाकी काम को पूरा करेगा, टोटल काम को, होल वर्क को पूरा करेगा. इसे देखिए, अगर हम ध्यान से देखें, ए ने 6 दिन में एक काम किया है. अगर ए ने 6 दिन में काम किया है तो आप सोचिए कि अगर ए के जगह उसी काम को, इफ द सेम वर्क दैट हैज बीन डन बाय ए इन 6 डेज, इफ द सेम वर्क कुड बी डन बाय बी, हाउ मेनी डेज ही विल टेक. तो बी को कितना समय लगता. ए तो 3 टाइम्स एफिशिएंट है, तो ए को अगर 6 दिन लगा है तो बी को कितना दिन लगेगा, आप सभी जानते हैं, 18 डेज. कितना लेट लगेगा, 18 डेज. तो हम क्या करते हैं, हम ए को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं. मान लेते हैं कि ए के जगह बी ने ही काम किया है, ए ने 6 दिन काम किया है. अगर ए के जगह बी ने काम किया होता तो उसे 18 दिन लगते, और 9 दिन तो बी ने काम किया ही है, तो टोटल बी ने कितना दिन काम किया है, 27 डेज काम किया है. अभी आप बताइए कि बी ने 27 डेज में काम करके 50% वर्क ही पूरा किया है, क्योंकि ए तो हट गया, हम ए के जगह बी को मान लिए. तो ए ने 27 डेज में अगर 50% काम किया है तो 100% अगर काम अगर करना हो तो टाइम भी कितना लग जाएगा, डबल लग जाएगा. जब ये आपका डबल हो रहा है तो आपका टाइम भी क्या लग जाएगा, आपका डबल हो जाएगा, यानी कि 54 डेज. ये आपका आंसर हो गया. फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, ठीक है. दिस इज ए, ओके, एंड दिस इज बी. इफ यू टेक द एफिशिएंसी रेशियो एज गिवन इन द क्वेश्चन, efficiency 1 and efficiency 2, so A is thrice as efficient as B. So now if we take the time, if A is thrice as efficient as B, so A will take lesser time, 1/3 time, so it will be reversed, 1:3, ठीक है. अभी क्वेश्चन में क्या दिया है टाइम के बारे में, कि A ने 6 डेज लिया है काम करने में. अगर A ने काम करने में 6 दिन लिया है तो इसी काम को करने में B कितना दिन समय लेगा, 18 डेज, ठीक है. 18 डेज प्लस 9 डेज उसने और काम किया है, हम ए को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है. तो टोटल उसने कितने दिन काम किया, 27 डेज. 27 डेज में उसने 50% काम पूरा किया, ठीक है. सो 100% काम, यानी होल वर्क पूरा करना है, यानी कि ये 2 टाइम्स हो गया. तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि बी को अकेले पूरा काम करने में ही विल टेक 54 डेज. आई होप आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा ये क्वेश्चन. नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, हम लोग बढ़ जाते हैं. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन. ये सारे ऑल द क्वेश्चन दैट आई एम डीलिंग हेयर विथ आर फ्रॉम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एंड फ्रॉम प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन. नाउ कविताज रेशियो ऑफ एक्सपेंसिस टू सेविंग्स इज 6:5. नाउ दिस इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंसिस एंड सेविंग्स. तो खर्चा और बचत 6:5 में है, यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ दें, 6 + 5 becomes 11,
सो 11 क्या हो जाता है, इनकम, क्योंकि इनकम के दो पार्ट होते हैं, इनकम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एक्सपेंसेस एंड सेविंग। आपके इनकम के दो ही हिस्से होते हैं, एक खर्च और एक बचत, ठीक है, दोनों को मिला के इनकम। तो 11 रुपये अगर इनकम हो तो 6 रुपये आप खर्च करते हैं, 5 रुपये आप सेविंग्स करते हैं। बट हिज एक्सपेंसेस इंक्रीजेस बाई 50%, लेकिन उसके खर्चे बढ़ गए, खर्चे जो है इंक्रीज हो गया 50%, एंड इनकम 20%, और इनकम भी 20% बढ़ गया। सेविंग्स के बारे में यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है। दस देर इज अ डेफिशिट, कमी आ गई ऑफ रुपीज 6288 इन हर सेविंग। तो हुआ ये कि खर्चे 50% बढ़ जाने के बाद और इनकम भी 20% बढ़ जाने के बाद बचत में 6288 रुपये कम हो गए। वट इज़ द इंक्रीज्ड इनकम ऑफ कविता। तो कविता का जो इनकम बढ़ा 20% बढ़ के, जो नया इनकम हुआ, इंक्रीज इनकम, वो कितना है। हम इसे एलिगेशन के मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, देखते हैं। सो दिस इज एक्सपेंस इन परसेंटेज। हमें दो आइटम दिया हुआ है, दो एलिमेंट दिए हुए हैं जिन्हें मिक्स करके एक नया एलिमेंट बनाया जा सकता है। तो हम वहाँ पे एलिगेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि एक्सपेंसेस सेविंग्स को मिला के हम इनकम बनाते हैं, ठीक है, और एक्सपेंसेस और सेविंग्स की रेशियो क्वेश्चन में हमें दी हुई है। क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 6:5 रेशियो में दी है। एक्सपेंसेस दिया हुआ है कि एक्सपेंसेस 50% इंक्रीज हुआ है, इनकम 20% इंक्रीज हुआ है। नाउ सेविंग्स कितना परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज होने से इनकम पे 20% का 20% का फ़र्क पड़ता है, ओके। आप जानते हैं कि इन दोनों को लेस करके ये आता है, बट 50-20 इज कितना होता है, 30। सो 5 इज इक्विवेलेंट 30, दैट इज 6 टाइम्स। सो 6 विल ऑल्सो गो 6 टाइम्स, ओके, दैट इज कॉल्ड 36। सो 36 एंड 30 अगेन जो रेशियो जो है वो 6:5 ही आने वाला है, ठीक है। तो इसे और इसे लेस करके ये आता है, तो सेविंग्स और इनकम को लेस करने से ये रेशियो आएगा, 6 रेशियो आएगा, ये रेशियो आएगा। तो बोला गया, अब देखिए ये जो इनकम होता है, ये जो मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू जो होता है, ये इन दोनों के हमेशा बीच में होता है। तो ये इनकम से ज़्यादा है, एक्सपेंस जो है 50% 20% से ज़्यादा है, इसलिए सेविंग्स पे जो भी नंबर आने वाला है वो इनकम से छोटा होगा। इनकम का जो परसेंटेज दिया हुआ है 20%, इसकी वैल्यू छोटा होगा। तो यहाँ पे 20% से कितना माइनस करेंगे जिसको कितना आ जाए, 36 आ जाए, कितना आ जाए, 36 है। तो कितना होगा यहाँ पे, 16%, क्योंकि देखिए 20% माइनस 16%, मैं यहाँ लिख देता हूँ 20% यहाँ माइनस, और यहाँ ब्रैकेट में -16, अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा, 36%। तो -16% जो है ये हमारा क्या हो गया, सेविंग्स में हमारा क्या है, ये डेफिशिट है। सेविंग्स हमारा आपका -16% आने का मतलब है ये आपका डेफिशिट है। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो -16% है डेफिशिट, में हम यहाँ करते हैं 16% हैज़ बीन गिवन इन द क्वेश्चन एज 6288, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये कितना टाइम्स कटेगा आप देख लो इसको, ये जाएगा 393 टाइम्स, ठीक है। तो आपको कितना निकालना है, 100%। नाउ व्हाट डज 100% मीन, 100% का मतलब होता है जो ओरिजिनल सेविंग्स है, हम सेविंग्स की बात कर रहे हैं, इनकम की नहीं, हम सेविंग्स पे डील कर रहे हैं। तो 100% सेविंग्स कितना हो जाएगा, ये भी आपका होगा 393 टाइम्स, यानी कि 39300, ये आपका हो गया इनिशियल आपका सेविंग्स। अभी आप देखिए कि जब आपकी सेविंग्स 39300 है, तो यहाँ पे आपके सेविंग्स कितनी दी हुई है, 5, यहाँ पे दी हुई है 5। तो 5 अगर आपका सेविंग्स है और एक्सपेंस अगर आपका 6 है, तो टोटल इनकम कितना हुआ आपका, टोटल आपका इनिशियल इनकम हो गया 11। दिस इज कॉल्ड इनिशियल इनकम, दिस इज कॉल्ड इनिशियल इनकम, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनिशियल इनकम निकाल लेते हैं। सो इनिशियल इनकम इज इक्वल टू 39300, इनकम फाइंड आउट करना है तो इनकम है 11,
और ये किसकी वैल्यू है, सेविंग्स की, यानी कि 5 है, 5 से डिवाइड करना है, हम 5 से डिवाइड नहीं करके इसको डबल कर देते हैं, 10 कर देते हैं, तो ये भी हमारा डबल हो जाएगा, और डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 8 6 00, और तब एक ज़ीरो और एक ज़ीरो हम आसानी से काट सकते हैं। और इसे 11 से मल्टीप्लाई करना आप लोगों को बेशक आता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 6 8 6 4 6 0। ये आपका इनिशियल इनकम है, ये आपका इंक्रीज्ड इनकम नहीं है, इसमें आपको अब 20% ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें अगर हम 20% अगर हम ऐड करें, तो 20% का क्या मतलब होता है, 10% का डबल, 10% कितना होता है, 10% आपका होता है 8646। तो हमें 8646 का डबल करना है, 8000 का डबल हो जाएगा 16000, 600 का डबल हो जाएगा 1200, यानी कि 17200, और 46 का डबल हो जाएगा 92, दैट कम्स टू 17292। तो हमें इसमें ऐड करना है 17292, और इसे अगर हम ऐड कर देते हैं, इसे अगर हम ऐड करें, तो इसे अगर हम यहाँ पे अगर हम ऐड करें, तो ऐड करने पे ये वैल्यू कितनी आती है, 1,03,752। ये हो जाता है कविता का इंक्रीज्ड इनकम। सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। द क्वेश्चन सेज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ राम, रोहन एंड विनय इज 3:4:5। ये इनके प्रेजेंट एजेस का रेशियो दिया हुआ है कि राम, रोहन एंड विनय, दे आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 देयर एजेस। इफ द एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 28 ईयर्स, नाउ देयर रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस हैज बीन गिवन इज 3:4:5, एंड ऑल्सो उनका जो प्रेजेंट एज का, वर्तमान उम्र का जो एवरेज है, औसत, वो भी दिया हुआ है 28। देन वट वुड बी द सम, है ना, पूछा गया व्हाट वुड बी द सम ऑफ द एजेस ऑफ राम एंड रोहन, नॉट विनय, राम एंड रोहन टुगेदर आफ्टर 5 ईयर्स, यानी 5 साल के बाद, फ्यूचर का। इस क्वेश्चन को करने के लिए भी वी नीड नॉट टू यूज एनी काइंड ऑफ पेन एंड पेपर, वी कैन डू इट इन द ऑल्सो इन द क्वेश्चन। हाउ, देखिए ये भी आसानी से हमारा हो जाएगा। राम, रोहन और विनय का रेशियो दिया हुआ है 3:4, और विनय का दिया हुआ है आपका 5। सो यू ऑल नो कि एवरेज मीन्स वॉट, जो मिडल नंबर होता है, जो मिडल नंबर होता है वही आपका एवरेज होता है, ठीक है, हमें अलग से एवरेज निकालने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आप एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कर चुके हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। सो जो मिडल नंबर है वो हमारा एवरेज है, तो हमारा एवरेज कितना है 4, और आपको एवरेज कितना दिया हुआ है 28। सो 4 बिकम्स 28, दैट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम्स, ओके 7 टाइम्स, तो 4 7 जा 28, ओके 7 टाइम्स। तो हमें क्या निकालना है, राम एंड रोहन का 5 साल के बाद का एज का सम निकालना। नाउ राम इज व्हाट, राम इज 3 एंड रोहन इज 4, टुगेदर दे बिकम 7। नाउ दिस इज 7 इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस 7। नाउ 4 गोज 7 टाइम्स 28, तो 7 ऑल्सो गोज 7 टाइम्स, दैट इज 49, ओके। ये हुआ उनका प्रेजेंट एज का सम का, प्रेजेंट एज का सम। लेकिन हमसे पूछा गया आफ्टर 5 ईयर्स उनका क्या होगा, तो आफ्टर 5 ईयर्स राम का एज ही 5 ईयर्स बढ़ेगा और रोहन का एज ही 5 ईयर्स बढ़ेगा, दैट इज इन टोटल 10, सो द आंसर विल बी 59 ईयर्स। सो द आंसर इज 59 ईयर्स। मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ, बाकी स्टूडेंट को भी समझ में आ जाएगा। सो दिस इज राम, नाउ दिस इज रोहन, एंड दिस इज विनय, ओके। We can also write here average, and then जो हमसे पूछा गया है sum of the ages of Ram and Rohan, okay? So it is given 3:4:5. Now what is the average? Average is 4, middle number is 4, so average is 4. Now
एवरेज इज 4 इज गिवन एंड एवरेज गिवन इन द क्वेश्चन इज 28. सो 4 गोज 7 टाइम्स 28. नाउ सम किसका निकालना है? राम एंड रोहन का. राम एंड रोहन कितना है? 3 एंड 4. सो 3 प्लस 4 इज 7. 7 ऑल्सो गोज 7 टाइम्स. सो इट बिकम्स 49 इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर प्रेजेंट एज. नाउ आफ्टर 5 ईयर्स उनके एजेस का सम क्या होगा? तो आफ्टर 5 ईयर्स राम का भी 5 ईयर्स और रोहन का भी 5 ईयर्स बढ़ेगा, यानी कि इंटू 10 ईयर्स बढ़ेगा. 10 आप यहाँ प्लस कर दीजिए, दैट इज 59 ईयर्स. सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा. दिस इज माई सेकेंड वीडियो एंड दिस इज ऑल. आई होप यू ऑल लाइक द अप्रोच एंड टेक्निक. आप इसे बहुत प्रैक्टिस कीजिए. यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ओवर दिस अप्रोच इफ यू वॉन्ट टू बिकम द मास्टर. सो इफ यू प्रैक्टिस ओवर दिस अप्रोचेस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, यू विल फाइंड योर सेल्फ एट अ वेरी कंफर्टेबल जोन एंड क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट इन द सेम एग्जामिनेशन हॉल, वेर दे आर सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन इन 2 and 3 मिनट्स एंड यू आर सॉल्विंग इन फ्यू सेकेंड्स और विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर. सो डू सब्सक्राइब माई वीडियो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज वॉच माई वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड. शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखें तो ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बिकॉज देर इज नो शॉर्टकट टू द टॉप. टॉप पे पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है. सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें ताकि जो भी नई वीडियोज आती रहें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. सो अगले वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखें. थैंक यू वेरी मच.